हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। जी हाँ, आप देखोगे इसके अंदर जो ना बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है पीछे कुछ टाइम से। मैंने इस स्टॉक से बाहर निकलने के लिए आपको बोला था, एक रुपये के अराउंड जब स्टॉक जो ना ट्रेड कर रहा था, एक रुपये चार पैसे पर था, तब मैंने आपको बोला स्टॉक से बाहर निकल जाओ, यहाँ पर जो ना ऑपरेटर गेम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बहुत से लोगों ने मेरी बात मान के स्टॉक से निकल गए और कुछ एक ने तो जो ना नेगेटिव कमेंट किए कि स्टॉक जो ना 5 तक जाएगा, आप जो ना बेफिजूल किराए दे रहे हो। मेरे को क्या मतलब भाई, मेरे को ना तो प्रॉफिट हो रहा और ना ही लॉस हो रहा, आप बने रहो, आपको अगर प्रॉफिट देखने को मिलता है तो। मैंने एक और आपका जो ना इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको बोला कि आप अगर स्टॉक को आपको लगता है कि स्टॉक 5 रुपये तक जाएगा तो आप एक काम कीजिए, अपना जो कैपिटल है वो सेव कर लीजिए, और अगर आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो चुका है 50% हो, 30% हो या फिर 100% हो, वो इसके अंदर रहने दीजिए। अगर LC लगता है तो प्रॉफिट में से लॉस होता रहेगा, अगर अपर सर्किट लगता है तो प्रॉफिट का प्रॉफिट बनता रहेगा। तो मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी भी अपनाने के लिए बोला था, लेकिन नहीं माने। तो अब आप देखोगे स्टॉक के अंदर हमें जो ना अप्रोक्सीमेट 40% के अराउंड गिरावट देखने को मिल चुकी है। जी हाँ, आप देखोगे इसके अंदर 5 दिन में अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट 6% की गिरावट, 1 मंथ में आप देखोगे 24% की। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके 6 महीने में तो 6 महीने में हमें जो ना इसके अंदर 28% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देखोगे इसके अंदर जो LC लगा था वो 1 रुपये 16 पैसे पर लगा था, जबकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था 1 रुपये 4 पैसे पर। मैंने बोला 1 रुपये 4 पैसे पर जब स्टॉक था तो निकल जाओ, यहां से ऑपरेटर गेम स्टार्ट हो चुका है तो बुरे फंसोगे, वही हुआ। उसके बाद आप देखोगे नॉन स्टॉप जो ना स्टॉक गिरते नजर आ रहा है, बीच में एक दो जगह पर हमें जो ना इसके अंदर तेजी भी देखने को मिली, वहां से फिर से लालच बढ़ा आपका और इसके अंदर आप जो ना बने रहे, आपको लगा स्टॉक जो फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन ऑपरेटर गेम है भाई, ऑपरेटर गेम के अंदर कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जाता, अगर एक बार LC लगता है तो गिरावट होती है, एक दो अपर सर्किट लगाएगा लालच देने के लिए, आप एवरेज बनाओगे, एवरेज बनाते ही फिर स्टॉक नीचे आएगा, तो ऐसे ही आपको लालच दिया जाता है। तो स्टॉक के अंदर भी आप देखोगे आपको एक दो बार लालच दिया गया, एक दो अपर सर्किट लगाकर, तो लेकिन आप देखोगे आप तो एवरेज बनाते हो, वहां से आपका लॉस रिकवर करने के लिए पीछे का, और वहां से आप देखोगे जैसे ही 3-4 अपर सर्किट लग जाते हैं ऑपरेटर फिर अपना माल निकाल देते हैं ऊपर से, तो ऐसे ही आप जो है इसके अंदर ऑपरेट होते रहे हो। तो इसके अंदर आप देखोगे जो ओवरऑल गिरावट हुई है वो आप देख सकते हो 45%, जी हाँ 45% के आसपास गिरावट हो चुकी है। और मैंने आपको इस स्टॉक की एक और खासियत बताई थी कि स्टॉक जो ना कभी भी आप देखोगे पीछे का इसका चार्ट उठाकर कभी भी 49 पैसे से डाउन नहीं गया है। तो आप देखोगे 2016 से लेकर 2022 के बीच में कभी भी जो स्टॉक है ना वो 49 पैसे से डाउन नहीं गया है। जी हाँ, 49 पैसे से आप देख सकते हो कभी भी डाउन नहीं गया है। आप देखो कुछ टाइम के लिए कंपनी हमें जो है डिलीस्ट होती भी नज़र आई थी, लेकिन आप देखो कि 2021 में कंपनी जो है ना फिर से रिलीस्ट हुई। जी हाँ, 2021 में रिलीस्ट हुई और स्टॉक के अंदर हमें जो है ना अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और स्टॉक कहाँ तक गया, 49 पैसे से गया 1 रुपये 16 पैसे तक। अप्रोक्सीमेट आप यहाँ पर देखोगे हमें जो ना 100% का अच्छा रिटर्न देखने को मिला था। तो मैंने आपको निकलने के लिए बोला, आप नहीं निकले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके अब क्या चल रहा है स्टॉक के अंदर, क्या फिर से इसके अंदर ऑपरेटर गेम स्टार्ट हो चुका है, फिर से तेजी देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो चलिए आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इसकी एक गुड न्यूज़ भी है, वो क्या है कि ये स्टॉक जो पहले ASM में था, जी हाँ ASM की फर्स्ट स्टेज पर था, तो वहाँ से स्टॉक जो बाहर निकल चुका है। अब आप देखोगे इसके अंदर जो ना बहुत अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्यों देखने को मिलेगी उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर बल्क डीले होने लगी है। जी हाँ, आप देखोगे 2 जून को हमें जो ना इसके अंदर बल्क डील देखने को मिली, तो 2 जून को आप देख सकते हो शेयर जो ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज किए गए हैं, यानी कि बाय किए गए हैं। आप देखोगे यहाँ पर 50 लाख और यहाँ पर आप देखोगे 55 लाख, और अगर मैं बात करूँ नीचे में तो नीचे में आप देखोगे हमें जो ना 71 लाख शेयर बाय होते नज़र आए हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में शेयर जो ना बाय किए गए हैं, उससे पहले आप देखोगे शेयर सेल भी किए गए हैं। जी हाँ, शेयर सेल भी हुए हैं। सेल किए गए क्वांटिटी अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे 2 जून को शेयर हमें जो ना सेल हुए भी नज़र आए हैं, कितने क्वांटिटी में सेल हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे 47 लाख शेयर सेल किए गए हैं, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 10 लाख, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1 करोड़ 10 लाख, और यहाँ पर आप देखोगे 24 लाख हमें जो ना सेल्स क्वांटिटी देखने को मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल किए गए हैं। अगर बात करें बाय क्वांटिटी की तो बाय क्वांटिटी कम है सेलिंग से, तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा ना, इसी कारण हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बात बता देता हूँ, स्टॉक जो ना 49 पैसे से डाउन नहीं जाएगा, 49 से पहले इसके अंदर हमें अपर सर्किट देखने को मिलेगा, और स्टॉक ऊपर में कहाँ तक जाएगा,
ऊपर में जो इसका टारगेट रहेगा, पहला हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट 75 पैसे रहेगा। 75 पैसे को अगर ऊपर में काटेगा फिर जो स्टॉक हमें 90 पैसे तक जाते देखने को मिल सकता है, अदरवाइज हमें जो 75 से पहले इसके अंदर गिरावट भी होते देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही स्टॉक के अंदर हमें अब अपर सर्किट देखने को मिलेगा तो स्टॉक का जो पहला टारगेट रहेगा वो 75 पैसे रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।